पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। जश्न आज़ादी की खुशियों को चार चांद लगाने की खातिर अंदरूनी शहर के बाजारों में दर्जनों छोटे बड़े स्टॉल सज गए। इन स्टॉल्स पर सब्ज रंग की टोपियां, बैजेस, स्टिकर्स और झंडियों के अलावा रेडीमेड टी शर्ट्स और बच्चियों के फ्रॉक समेत ब्रेसलेट और नित नए डिजाइनों से मुजयन मुनफरिद मास्क और माथा पट्टी जैसे दिलकश अशिया दस्तियाब है। हमारे असलाफ की कुर्बानियों से ये मुल्क मारद वजूद में आया है, इसका तहफ्फुज़ और इसकी सिक्योरिटी सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ वाबस्ता है। हमारे सामर सब का ये हक बनता है कि अपने मुल्क और कौम के लिए जो भी कुर्बानी हम दे सके हमें देना चाहिए। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉल्स पर अपनी पसंद की चीजें खरीदकर आज़ादी की खुशियों में शरीक हो रहे हैं। बच्चे अपनी जेब खर्च से बैजेस और झंडियां खरीदकर खुश हैं। क्योंकि 14 अगस्त आ रहा है, ये हमारा कौमी त्यौहार है और मैं चाहता हूँ कि हम सबको ये त्यौहार जोश जज्बे के साथ मनाना चाहिए। 14 अगस्त के सिलसिले में कुछ आया हुआ हूँ यहाँ पे, शॉपिंग वगैरह कर रहा हूँ 14 अगस्त के फ्लैग्स वगैरह, और घर में हम लोग हर साल जोश जज्बे से ये मनाते हैं। 14 अगस्त हमारा कौमी त्यौहार है, हमें इसे मनाना भी चाहिए। उसी सिलसिले में मैं फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, फ्लैग्स वगैरह ले रहा हूँ। जश्न आज़ादी को पुरजोश अंदाज में मनाने की रिवायत कौमी हयात के अलामत बन गई है। जैसे भी हों, अवाम यौम आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाना नहीं भूलते। कैमरा टीम के साथ एमन शेख, बीजे टीवी, डेरा इस्माइल खान।